हेलो गाइस, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका मेरे बिल्लू जीरो फॉर व्लॉग्स में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे घर के पीछे पड़ा है, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ग्वार उगाया है, तो आप लोगों को वही दिखाऊंगा मैं। क्योंकि आज घर पे ही था तो खास कोई टॉपिक था नहीं व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको, बारिश का मौसम है और जो फसल हमने उगाई है वो आपको दिखा दे। वो फसल घर में इसलिए उगाई है ताकि बड़ा हो जाए ग्वार, तो ग्वार फलियां हो जाए सब्जी लाइक। तो डेली मतलब ग्वार होते ही हमारे हर दूसरे दिन ग्वार फली आ जाती है, तो उसकी सब्जी बहुत बढ़िया सब्जी होती है, देसी सब्जी होती है। आपको तो पता ही है ग्वार फली की कितनी अच्छी सब्जी होती है। और हमने पीछे यहाँ ग्वार उगाया है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ ग्वार और पीछे का व्यू भी दिखाऊँगा और अपने छत पर चढ़ के आपको मेरे गाँव का व्यू भी दिखाऊँगा आज। क्यों ना मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी को हमारे गांव का थोड़ा बहुत दृश्य दिखाया जाए। और चलिए मेरे इस व्लॉग में बने रहे हैं आप लोग। हाँ, अगर आप लोग मेरे व्लॉग में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है साथियों। तो बने रहें मेरे साथ, आइए चलिए व्लॉग में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरे घर के पीछे का बाड़ा है जहाँ पर हम गायें रखते हैं, गाय वगैरह बांधते हैं। वो पीछे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, वो गायों के लिए छपरे बनाए हुए हैं। एक छपरे में हम कुत्तर रखते हैं, दूसरे में हम गायों को बांधते हैं। और ये हमने यहाँ ग्वार उगाया, देखिए साथी, लगभग चार या पाँच छः दिन हो गए हैं लगभग ये ग्वार उगाए हुए। काफ़ी मतलब ज़मीन से बाहर आ गया है और दो दिन पहले अच्छी बारिश हो गई है और अभी बारिश होने की और भी संभावना है। ये देखिए पीछे बारिश मतलब आने वाली है। आज घनघोर घटा छाई हुई है, ऐसा लग रहा है अभी बारिश हो जाएगी और थोड़ी बहुत उमस भी है। तो बारिश होगी तो अच्छा ग्वार हो जाएगा, फसल हो जाएगी अच्छी। ये मतलब हमने कोई हमने अपने घर के लिए ही उगाया है ताकि ग्वार फली हो जाए और डेली डेली सब्जी बढ़िया खाने को मिल जाए। देसी बाज़ार की सब्जियां तो आजकल अच्छी नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं। ये एकदम नेचुरल होती है, कुदरती सब्ज़ी। इसमें मतलब बहुत विटामिन्स होते हैं, बहुत ही ताकत होती है। और ग्वार की फली की तो आपको क्या ही बात कहें। ये यहाँ हमने ग्वार उगाया है, ये बस दो तीन दिन में और उग जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो तो आपको और दिखाएँगे। जब बड़ा हो जाएगा तो भी दिखाएँगे। 5-10 मिनट ट्रैक्टर चला था यहाँ पर, तो मतलब पीछे जगह पड़ी थी तो सोचा कि इसको काम में ले लेते हैं। पड़ी है, ग्वार भी उग जाएगा और चारों तरफ बाउंड्री है, तो यहाँ क्या है कि कोई अपने जानवर वगैरह वो भी नहीं आता है और ग्वार एकदम सुरक्षित रहता है। और वहाँ हमारी गौ माता खड़ी है, आराम से चारा खा रही है और वो पास में उसका बच्चा खड़ा है, आराम से मौज कर रहे हैं। ठंडा मौसम है तो चलिए आपको मेरे छत से गांव का व्यू दिखाते हैं। तो अभी साथियों मैं आ गया हूँ मेरी घर के छत के ऊपर। बस आपको कुछ ही देर में मैं दिखाऊंगा मेरे गांव का व्यू छत से, कैसा नज़र आता है आपको देखना है, तो आप लोग बने रहे मेरे इस व्लॉग में। तो जी हाँ साथियों, कुछ इस तरह नज़र आता है मेरा गांव। ये मेरे घर की छत से ऊपर लिया हुआ दृश्य है। आज मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि कितने घर बने हुए हैं, कितने लोग यहाँ चवा गांव तलिया में रहते हैं। तो देख रहे कितना शानदार लुक आ रहा है साथियों। बारिश होने की वजह से एकदम पेड़ पौधे घने और एकदम हरे भरे हो गए हैं। देखिए साथियों, एकदम आनंद आ रहा है साथियों, देखिए आप लोग। वो वहाँ सामने दो टावर लगे हुए हैं, एक जियो का है, एक एयरटेल वोडाफोन उन सभी का है। और यहाँ से रास्ता जाता है चौराहे की तरफ नीम के पीछे से। और ये कबूतर यहाँ खंभे पे बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये सौर ऊर्जा वाली लाइट लगी हुई है, रोड लाइट, जो रात को एकदम
गली में अंधेरा नहीं होने देती है, प्रकाश होता है। और ये हमारे घर के पेड़ पौधे हैं जो बारिश से खिलखिला उठे हैं, एकदम हरे भरे हो गए हैं। वो वहाँ गाड़ी की पार्किंग है जहाँ पर हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। इतना शानदार दृश्य है साथियों, देखिए। और अभी जो मैंने वो ग्वार का दृश्य दिखाया था आपको, वो वहाँ पीछे जहाँ मैंने पहले आपको दिखाया था, वो वहाँ का व्यू था। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को कैसे कैसे ब्लॉग देखने पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है। तो इसी के साथ मैं मेरा ब्लॉग आज का यहीं करता हूँ एंड। नमस्कार, राम राम, बाय बाय।